हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें यह जानकारी दूंगी कि मैंने अपने गार्डन के लिए न्यू स्टैंड बनवाए थे और दो, तो वो किस तरीके के, किस साइज़ के बने और उनको मैं कहाँ पे रखूँगी और किस तरीके के उन पर पौधे रखूँगी। ये मैंने सिंगल स्टैंड बनवाया है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना लंबा है और चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छा है ये और बहुत ही मज़बूत भी ये है। इसमें कम से कम काफ़ी गमले आ जाएंगे। और नेक्स्ट मैंने ये वाला बनवाया है जो भी इस तरीके का है, आप देखिए छोटे वाला स्टैंड है ये, और ये सिंगल ही बनवाए मैंने दोनों, वो मेरे डबल थे जो मैंने पहले बनवाए थे। ये वाले मैं जहाँ पे शिफ्ट करूँगी वहाँ का मैं बताऊँगी कि कहाँ पे शिफ्ट किया, वो वाला जो दूसरा है छोटा वाला उसको भी बताऊँगी कि मैं कहाँ पे रखूँगी। इस पर मैंने अभी कलर कर लिया है तो देख सकते हैं कलर के बाद कितना अच्छा लग रहा है ये। अब मैं इसमें प्लांट रखूँगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से प्लांट मैं रख रही हूँ। देखिए तो आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने इस तरीके से मनी प्लांट रखी हुई हैं जो कि नीचे तक जा रही हैं। तो यहाँ के लिए मैंने वो लंबा वाला स्टैंड बनवाया है क्योंकि ये ऐसे हो रहा है तो सफाई करने में दिक्कत भी आती थी, अब वो ठीक हो जाएगा तो सफाई में भी काफ़ी आसानी रहेगी और प्लांट भी अच्छी तरीके से आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे उसको सेट कर रही हूँ, आप देखिए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये स्टैंड रख दिया है और इस पर मैंने ये पेप्सी के जो ये होते हैं ये रखे हैं क्योंकि इससे क्या है थोड़ा और ऊंचा हो गया और जो स्टैंड की जाली ये है वो भी खराब नहीं होगी इसलिए। और देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट हैं, इनको मैं ये मैंने ऊपर रखे हुए हैं तो मैंने जो कॉटन कपड़ा होता है उससे साफ करती हूँ इनकी लीफ को जिससे कि क्लीन हो जाए और स्प्रे करती हूँ इस तरीके से। ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से मैंने ये कर दिया और एक जहाँ पे आपको पहले वाले उसमें दिखाई दे रहा होगा नीचे बिल्कुल वो रहता था, अब नीचे से बिल्कुल एकदम सफाई हो जाया करेगी इसलिए मैंने ये नया स्टैंड बनवाया है और वो यहाँ के लिए बनवाया और जो छोटा वाला है वो नीचे के लिए, उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। ये मेरी मनी प्लांट है जो कि यहाँ पर क्या है इनको ज़्यादा मतलब सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है तो यहाँ पर मध्यम सनलाइट आती है तो इसके कारण ये यहाँ पर ठीक चल रही हैं तरीके से। दोस्तों मैंने ये जो मेरा ये वाला स्टैंड है इसके इधर जो था यहाँ क्रिसमस ट्री और ऐसे हो रहा था तो यहाँ ढंग से एक लाइन में आ गए ये सारे पौधे और इस तरीके से हो गया ये छोटा वाला, और बड़ा वाला मैंने बताया ऊपर रखा है तो इस तरीके से। और अभी तो सारे मेरे गार्डन में देखिए आप कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है, अभी मैं सफाई कर रही हूँ। गार्डन के काम में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है क्योंकि नीचे पत्ते हर चीज़ मिट्टी गिर जाती है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड बाय दोस्तों। ये थोड़ा छोटा सा ही वीडियो था, स्टैंड के बारे में जानकारी थी। देखिए दोस्तों मैंने मेरा गार्डन जो है बिल्कुल क्लीन कर दिया है और पौधे एकदम फ्रेश हो गए हैं जो मैंने इन पर शावरिंग करी है, पूरा पानी दिया है तो अच्छी तरीके से, और बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा गार्डन हो चुका है।